रॉनी और जरीना स्क्रू वाला, ये दो नाम। ये अकेले ही चल पड़े थे जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हिम्मत थी अपनी खुली आंखों से नामुमकिन लगते हुए ख्वाब देखने की। कुछ ने कहा शायद हो ना पाएगा, मगर ये डेढ़ अक्षर आग जैसे नहीं, अगर जाग जाएं तो आग हैं। बिल्कुल सही कहा गया है इस परिवार के लिए। इन डेढ़ अक्षरों से बने हम, इन डेढ़ अक्षरों से बने तुम, और इन्हीं डेढ़ अक्षरों से बना ये स्वदेश परिवार। स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की मशाल लिए हुए पिछले कई वर्षों से तत्पर है स्वदेश फाउंडेशन। हजारों गांव वासियों के घर बसे, बच्चों को शिक्षा का लाभ मिला, बेटियों ने सफलताओं की राहें चुनी, आदिवासियों के घरों में भी उम्मीदों की रोशनियां जली, पीने को और स्वस्थ जीवन जीने को पानी मिला, खेत खलियान लहराने लगे, महिलाओं ने जिम्मेदारियों की मजबूत डोरे थामी, लौट के शहरों से युवा अपने अपने घर को आए, सिर्फ इंसान ही नहीं पर पेड़ पौधे पशु पक्षियां भी मुस्कुराए। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था, और इस साल तो जैसे मुसीबतों के सैलाब का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी और हाल ही में आए हुए चक्रवात जैसे कठिन परिस्थितियों में भी स्वदेश फाउंडेशन की टीम रुकी नहीं। ऐसे समय पर खुद पे आई मुसीबतों की परवाह न करते हुए रायगढ़ जिले के वासियों की परवाह और सेवा में डटे रहे। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। फाउंडर्स की दूरदर्शिता रही, स्वदेश के इस मिशन में कई समर्थों का सहयोग भी रहा, पर इस फाउंडेशन के असली नायक है यहाँ काम करते हुए कर्मचारी। स्व से बने देश, स्वदेश, आओ मिलके बदले।